नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैंसी। आज उस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम जिक्र करने जा रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन के हाथ में हाल ही में एक ब्लैक पट्टी को आप सभी देख रहे थे। एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर अमिताभ बच्चन के हाथ में एक ब्लैक पट्टी दिखाई पड़ रही थी, तो वहीं अब कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन के हाथ की सर्जरी हुई है। जी हाँ, आपको जानकारी दे दें कि फैंस काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं जब से ये खबर सोशल मीडिया पर सामने आई है। लगातार सोशल मीडिया पर जो है फैंस का हुजूम देखा जा रहा है। फैंस काफ़ी ज़्यादा कंसर्न अपना दिखाते दिखाई दे रहे हैं अमिताभ बच्चन को लेकर। अब ऐसे में सदी के महानायक की तबीयत से आप सभी वाकिफ हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ लगा हुआ है। तो वहीं इसी बीच बढ़ती उम्र के साथ भी जो है तमाम चीज़ें अमिताभ बच्चन के साथ होती दिखाई पड़ रही हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में खुद अमिताभ बच्चन ने इस बात की सूचना दी है और बताया है कि उनके हाथ की सर्जरी हुई है। जैसे ये खबर सामने आई वैसे ही फैंस काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हो गए। आपको बता दें कि जब केबीसी के एपिसोड को केबीसी को जब आखिरी एपिसोड रहा था और जब खुद अमिताभ बच्चन ने एपिसोड को जनता को जब अलविदा कहा था, तब हर एक फैन यहां पर जो है काफ़ी ही चिंतित था, क्योंकि बताया जा रहा था कि अमिताभ बच्चन की सेहत के चलते जो है वो इस बारी काफ़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने केबीसी को अलविदा कह दिया। हालांकि केबीसी के मेकर्स का ये भी कहना था कि वो इस साल फिर से अमिताभ बच्चन को अप्रोच करेंगे, मगर कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की अब सेहत जो है वो दिन ब दिन ढलती जा रही है, जिसे लेकर अमिताभ बच्चन के फैंस अब खूब चिंतित हैं। हालांकि क्या है और कब ये सर्जरी कराई गई, क्या है पूरी रिपोर्ट, आप देखेंगे हमारे इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों खूब चर्चा पर है। अमिताभ बच्चन को लेकर एक नहीं बल्कि कई जो है खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में अमिताभ बच्चन को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे यकीनन ही आप भी जानने के बाद जो है हैरान हो जाएंगे, क्योंकि फैंस जो हैं काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि अमिताभ बच्चन ने बीते दौरान ही अयोध्या में एक ज़मीन को ख़रीदा है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में अपनी टीम भी बनाई है। इस दौरान की कुछ तस्वीरें बिग बी ने अपने ब्लॉग में भी साझा की है। तो वहीं से पता लगा कि उनके हाथ में एक काली पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है। इस ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने अपने हाथ में बंधी काली पट्टी के पीछे की वजह को बताया है। एक्टर ने बताया है कि उनके हाथ की सर्जरी हुई है। आपने सर्जरी वाले हाथ के साथ ही बिग बी ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के लिए अक्षय कुमार के साथ शूटिंग भी कर ली। अपने व्लॉग में बिग बी ने अक्षय कुमार और साउथ स्टार सूर्य के साथ कई फोटोज को पोस्ट किया। इस फोटोज में अमिताभ बच्चन के हाथ में काली पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है। बिग बी ने तो ये भी बता दिया कि उनके हाथ की सर्जरी हुई है, लेकिन एक्टर ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उनकी सर्जरी कब और क्यों हुई। हालांकि उनके फैंस उनको लेकर खूब चिंतित हैं। अब आपको जानकारी देते हैं कि हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की तर्जी पर बनाई गई है, क्या है इस लीग में कई मैच होंगे, इसमें कई स्टार्स ने अपनी टीम को बनाया है जिसमें अमिताभ बच्चन मुंबई टीम के मालिक हैं, तो अक्षय कुमार की टीम श्रीनगर है। ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जो T20 का होगा। इसकी शुरुआत 2 मार्च से होगी, तो 9 मार्च तक मुंबई में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 6 टीम हिस्सा लेंगी। अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार के अलावा लीग में सूर्य, सैफ अली खान, रामचरण, करीना कपूर खान, ऋतिक रोशन की टीम भी शामिल है। अमिताभ बच्चन के अगर वॉक प्रिंट की बात करें तो बिग बी की फिल्म कालकी 2898 AD में वो नजर आएंगे। इस फिल्म में प्रसाद और दीपिका पादुकोण अहम रोल निभा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में कमल हसन, दलकोर सलमान और दिशा पाटनी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।
ये फिल्म इसी साल सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट पर ऐलान नहीं किया गया है। तो अब ऐसे में ये तो रहा अमिताभ बच्चन का वर्क प्रिंट, मगर आपको हमने जानकारी दे दी कि दरअसल उनके हाथ की जो काली पट्टी है उसकी क्या वजह थी। इस हाथ की काली पट्टी की वजह जहां पर बताई गई कि उन्होंने सर्जरी कराई है। हालांकि कैसी सर्जरी है, ये कब करवाई गई है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि जैसे ही अमिताभ बच्चन के हाथ की सर्जरी की खबर सामने आई, वैसे ही देखा गया फैंस जो हैं खूब चिंतित होते दिखाई दिए। फैंस जो हैं उनके लिए दुआएं करते दिखाई दे रहे हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन की बढ़ती उम्र के साथ अब जो है चीज़ें अलग होती दिखाई दे रही हैं, और ये एक उम्र का ही लिहाजा आप कह सकते हैं कि जिस हिसाब से आपकी उम्र बढ़ने लगती है 100 चीज़ें 100 बीमारियां आपके साथ चिपट जाती हैं। और अगर अमिताभ की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन एक फाइटर के तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर दिखाई देते हैं, जहां पर 75% उनका लीवर काम नहीं करता है और तमाम चीज़ें तमाम दिक्कत परेशानियों से वो गुजर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन के हाथ की सर्जरी इस बार फिर से तमाम सवालों को उठाती हुई दिखाई दी है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब इनकी सर्जरी हुई होगी तो पूरा बच्चन परिवार वहाँ पर मौजूद रहा होगा, मगर बच्चन परिवार की तरफ से इस बात को लेकर कोई भी जो है चीज़ें नहीं कही गई हैं और ना ही अब तक कोई तरीके का स्टेटमेंट सामने आया है। लगातार सोशल मीडिया पर अपने ब्लॉग्स को लेकर अमिताभ बच्चन चर्चा में बने रहते हैं। पहले 2023 में बहू ऐश्वर्या को लेकर इनडायरेक्ट व्लॉग्स उनके सामने आ रहे थे, तो वहीं अब जो है कहीं ना कहीं अपने मन की बात को वो ब्लॉग में कहते हुए अक्सर दिखाई पड़े हैं। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन की हाथ की पट्टी को देखकर तो हम भी चिंतित हैं, और हम भी यही कहेंगे कि अमिताभ सर बेहद ही जल्द ठीक हो जाएं। अगर आप भी अमिताभ बच्चन को कुछ कहना चाहते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना है। मैं चली, मगर अगर आप चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।